नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपने तीसरे लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि टेट सुपर टेट की परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आते हैं। हमारे दो टॉपिक आज चर्चा हम करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा वर्णों के उच्चारण स्थान। आप लोग जानते होंगे मित्रों, आपने जो है टेट का पेपर देखा होगा, लगातार इस तरह के प्रश्न आते हैं। निम्न में कंठ ध्वनि है, तालव्य है, या एक वर्ण देकर पूछता है ये कंठ है तालव्य है, इस तरह के प्रश्न लगातार आते हैं। तो हम इसके लिए कुछ संस्कृत के सूत्र लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इन सूत्रों को यहाँ से ध्यान से समझें और इन्हें निश्चित रूप से याद करें मित्रों, क्योंकि इससे लगभग समझिए एक प्रश्न आउट है, एक प्रश्न आता ही आता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो है वर्णों के उच्चारण स्थान। इसके लिए कुछ सूत्र, हमने कहा कि हम सूत्र कुछ संस्कृत के लेकर आए हैं। देखिए, हमारा पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक, अभी हम इसकी चर्चा छोड़ दें, दूसरे सूत्र पर आते हैं ईचु यसा नाम तालु। तीसरे सूत्र पर आते हैं रीटु रसा नाम मूर्धा। इसमें एक खास बात देखें मित्रों कि प्रत्येक सूत्र, जो भी सूत्र लिखा गया है, उसके द्वितीय वर्ण पर ऊ की मात्रा लगी है। ये ऊ की मात्रा इसलिए लगी है ताकि पढ़ने में लयात्मकता बनी रहे और आसानी से याद हो जाए। तो सब में ऊ लगा है, इसका मतलब हमें इसका उच्चारण यहाँ से नहीं लेना है। तो जब हमें इसका उच्चारण यहाँ से नहीं लेना है, दूसरी चीज ये देखिए, जहाँ भी आया है नाम तालु नाम मूर्धा, इसका मतलब जहाँ नाम शब्द आ गया उसके आगे उच्चारण स्थान दिखाया जाएगा। अगर इन दो बातों को ध्यान में रखें तो आराम से हम इन सूत्रों को व्याख्यायित कर सकते हैं। अब हम पहले सूत्र की तरफ चलते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। वो हमें लेना नहीं है, तो बचा कौन यहाँ मित्रों हमारे, अ। अ का मतलब होता है अ आ दोनों। क, क का अर्थ है क वर्ग। क वर्ग अर्थात क च जो है क ख ग घ अंग, पांचों वर्ण जो क के साथ आते हैं क ख ग घ अंगा। फिर ह, और ह के बाद विसर्जनीया नाम अर्थात विसर्ग। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। तो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, अ आ क वर्ग पूरा विसर्ग और ह। एक चीज और भी ध्यान रखें मित्रों, कंठ को ही काकल्य भी कहते हैं, इसलिए कभी कभी कंठ शब्द न देकर काकल्य शब्द देकर पूछता है। तो आप याद रखें कंठ और काकल्य एक ही है। और इसमें एक विशेष बात की चर्चा आपसे कर दूं, इसमें जो ह वर्ण है ह, ये सबसे शुद्ध काकल्य ध्वनि है। और यह प्रश्न पूछा गया है सुपर टेट की परीक्षा में, आप देखें पेपर उठा करके, कि निम्न में सबसे शुद्ध काकल्य ध्वनि है, तो सबसे शुद्ध काकल्य ध्वनि कौन सी है, ह। अब हम अपने दूसरे सूत्र की तरफ आते हैं, ईचु यसा नाम तालु। उ हमें यहां भी नहीं लेना है, तो ई, ई का मतलब छोटी ई बड़ी ई दोनों। च, च का मतलब च वर्ग, च वर्ग अर्थात च छ ज झ इया। उसके बाद क्या बचा हमारा मित्रों, य और स, इनका उच्चारण कहां से होता है, तालु से। तालु को तालव्य भी कहते हैं, तो तालु या तालव्य दोनों देकर प्रश्न किया जा सकता है आपसे। और यहाँ एक चीज और आपको बताते चलूं मित्रों, इसे स को जरूर याद रखिएगा, इसे कहते हैं तालव्य स, क्योंकि यह जब भी उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो इसकी कुछ प्रकृति ऐसी है कि स को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसे जरूर दिमाग में रखें कि ये स क्या है, तालव्य स। ठीक, अब इसे शंकर वाला स या शिल्पा सेट्ठी वाला स कहना बंद करें और इसका उच्चारण में प्रयोग करें, तालव्य स। तो ई च वर्ग य और स, ये हमारे कहां से उच्चरित होते हैं, तालु से, तालु से, इसलिए इन्हें तालव्य कहते हैं। अब हम अपने तीसरे सूत्र की तरफ आते हैं, रीटु रसा नाम मूर्धा। री, री का मतलब छोटी री बड़ी री दोनों। टू में ऊ तो लेना नहीं है, तो बचा ट, ट का मतलब ट वर्ग, ट वर्ग माने ट ठ ड ढ ण। ठीक, उसके बाद र और स, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से।
मूर्धा, हमने कल के लेक्चर में चर्चा की थी कि ऊपर की तालु में जो गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर के भाग को मूर्धा कहते हैं, और वहाँ जीभ ले जा करके जब हम स का उच्चारण करते हैं तो उसे मूर्धन्य स कहते हैं। ख्र, इसकी ध्वनि लगभग ख से मिलती जुलती निकलती है। ठीक, तो अब इसको खटकोण वाला स, पेटफरहुआ स, ये सब कहना बंद करें और ध्यान रखें इसे उच्चरित करें मूर्धन्य स। तो री, छोटी री, बड़ी री, ट वर्ग, र और ख्र, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। चौथे सूत्र पर आते हैं, ऋतु लसानाम दंत री न, त में उ लेना नहीं है तो बचा त, त माने त वर्ग, त वर्ग माने त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। ली, त वर्ग, ल और स का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। ठीक, अब अपने पांचवें सूत्र पर आते हैं, उपु उपधमानी नाम ओष्ठ, उ माने छोटा उ, बड़ा उ दोनों, प, प में उ लेना नहीं है, उ हटा दिया तो बचा प, प का मतलब प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ, म, और उपधमानी ध्वनि, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से। आपके मस्तिष्क में तुरंत यह प्रश्न आया होगा कि ये उपधमानी ध्वनि क्या है। यदि आप संस्कृत व्याकरण की किताब लघु सिद्धांत कौमुदी आदि देखें तो वहाँ कुछ जो है वर्ण बने होते हैं, उसमें एक वर्ण होता है एक अर्धचंद्र ऊपर और एक अर्धचंद्र नीचे, इसे कहते हैं उपधमानी का निशान, और इसके साथ जो वर्ण लिख दिया जाता है उसे उपधमानी वर्ण कहते हैं। जैसे अगर इसके साथ हम फ लिख दें तो इसे कहेंगे उपधमानी फ। तो इस तरह से छोटा उ, बड़ा उ, प वर्ग, उपधमानी ध्वनि, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। छठा हमारा नियम है वकारो दंतोष्ठ, व का उच्चारण कहाँ से होता है? देखिए अब तक जितना हमने पढ़ा वो सब एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होते थे, लेकिन व कहाँ से उच्चरित होता है? दंतोष्ठ माने व का उच्चारण दांत और ओठ को मिलाकर होता है, इसीलिए व को दंतोष्ठ कहा जाता है। वकारो दंतोष्ठ, व का उच्चारण कहाँ से होता है? दंतोष्ठ से। इसके बाद एक सूत्र हमारा आता है इयंगणना नाम नासिका, यंगणना नाम नासिका का अर्थ है मित्रों अंग, इय, ड, न, म, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका या नाक से। अब आपके मन में तुरंत यह प्रश्न उठा होगा कि अभी चर्चा में कहा गया कि अंग का उच्चारण कंठ से होता है, इय का उच्चारण तालु से होता है ना, फिर ये यहाँ जो है ये नासिका से आ गए, अब दो दो जगह से उच्चरित हो रहे हैं, तो अगर प्रश्न आया तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? तो ध्यान रखें मित्रों, ये इन्हें जो है ये आप सारे लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी, ये वर्गीय व्यंजनों के पंचमाक्षर हैं, क वर्ग का पंचमाक्षर अंग, च वर्ग का इया, तो ये वर्गीय व्यंजनों के पंचमाक्षर हैं, और जब केवल पंचमाक्षर देकर पूछे तब आप उसको लगाएंगे नासिका, अगर जब केवल पंचमाक्षर देकर पूछे तो नासिका। जैसे अगर प्रश्न करता है अंगा का उच्चारण स्थान है, विकल्प में कंठ और नासिका दोनों है, तो आपको सही उत्तर नासिका लगाना है न कि कंठ, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि पंचमाक्षर कहाँ से उच्चरित होता है, ये आपको पता है या नहीं। ठीक, लेकिन अगर अपने वर्ग के साथ जोड़कर पूछे, जैसे अंग के साथ ग भी जोड़ दे, ग और अंग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो हम सीधे सीधे कंठ में चले जाएंगे, क्योंकि वो क वर्ग जानना चाहता है, तो इसलिए इस प्रश्न से थोड़ा सा अलर्ट रहें। इसके बाद मित्रों जो है अंग, इय, ण, न, म, नासिका हो गए। अब देखिए दो सूत्र संस्कृत में और आते हैं, लेकिन हम वो सूत्र नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करेंगे। संयुक्त व्यंजन में हमने पढ़ा था कि ए और ए कैसे बनते हैं, अ धन ई से ए बनता है और उसी का रूप है ए। ठीक, तो अ धन ई से ए बनता है, अब अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? अ का उच्चारण स्थान है मित्रों कंठ, और ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। तो कंठ और तालु को एक साथ मिला दीजिए, तो कंठ और तालु को एक साथ मिलाने पर क्या बन गया? कंठ तालव्य। इसका मतलब ए ए कहाँ से उच्चरित होते हैं? कंठ तालव्य से। इसी तरह से अब हम अगली चर्चा करते हैं ओ औ की, वही संयुक्त व्यंजन में ही मित्रों हमने ये पढ़ा था अ धन उ बराबर ओ। ठीक, और अ क्या है? अकंठ है। उ क्या है? ओष्ठ है। अब कंठ और ओष्ठ को यदि मिला दिया जाए तो क्या बन गया? कंठोष्ठ।
तो इस तरह से ये जो हिंदी की एक विशेष ट्रिक हम लाए, ये संस्कृत के दो सूत्र रटने से आपको बचा सकती है। बस केवल अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करें, संयुक्त व्यंजन में जाएं और ये ध्यान दें कि ए ऐ ओ औ का निर्माण किस तरह से होता है, ए ऐ ओ औ बनते कैसे हैं, और वहाँ से हम अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से मित्रों आप लोगों ने देखा कि जो है वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा वर्ण किस तरह से उच्चरित होता है, कहाँ से उच्चरित होता है, और यहाँ से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए ये सारे सूत्र दिमाग में सेट करें, इन्हें याद करें, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा था शुरू में कि हम दो टॉपिक की चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों के भेद, ठीक, बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों के भेद। अब आप पहले ये जानना चाहेंगे कि बाह्य प्रयत्न का मतलब क्या है। तो मित्रों हम आपके सामने एक चित्र उपस्थित है, चित्र पर ना जाएं केवल समझें, हर व्यक्ति कलाकार नहीं होता, तो चित्र बनाने में थोड़ा सा, लेकिन आप इसकी जो है चित्र को समझें। हम यहाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम उच्चारण कैसे करते हैं, हम बोलते कैसे हैं। मित्रों ये मुख जो है ये बोलने में बहुत बड़ी भूमिका तो निभाता है, लेकिन केवल वर्णों को बाहर निकालने में। ये मित्रों मिठाई की दुकान है, बर्फी अलग ट्रे में, पेड़ा अलग ट्रे में, लड्डू अलग ट्रे में, जैसा मांगा आपने वैसा निकाल दिया। लेकिन फैक्ट्री यहाँ है, फैक्ट्री यहाँ है, ठीक। तो यही चीज हम देखते हैं कि हम उच्चारण कैसे करते हैं। तो ध्यान देना मित्रों, जब हमें उच्चारण करना होता है ये हमारे फेफड़े हैं, जब हमें बोलना होता है तो सबसे पहले हमारे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और फेफड़ों से हवा निकल करके आती है यहाँ, जिसे कहते हैं काकल्य, जिसे कहते हैं कंठ या काकल्य। अब जब हवा यहाँ आती है तो यहाँ जो ये इकाई है इसे कहते हैं काकल्य या टॉन्सिल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को कई बार दिक्कत हो जाती है, बार बार खांसी आती रहती है, तो डॉक्टर कहते हैं आपकी टॉन्सिल बढ़ गई है, दवा लीजिए ठीक हो जाएगी। ये भाग यहाँ एक गोला सा भाग होता है अंदर, इसी को टॉन्सिल या काकल्य कहते हैं, और उस गोले भाग के चारों तरफ ये छोटी छोटी संरचनाएँ होती हैं, इन्हें कहते हैं मित्रों स्वर तंत्रियाँ। क्या कहते हैं? स्वर तंत्रियां। और इन्हीं स्वर तंत्रियों के झंकृत होने से, इन्हीं के हिलने से आवाज होती है। कभी इस चीज को महसूस करिएगा, बोलते समय यहां हाथ लगाइएगा, आप देखेंगे आपको खुद एहसास होगा जैसे कंपन सा उठ रहा है, कुछ हिल सा रहा है, ये वही स्वर तंत्रियां हैं। ये स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं और इनके झंकृत होने से वायु, यहां जो है स्वर तंत्रियों के झंकृत होने से आवाज निकलती है और इस वायु के सहारे वो आवाज मुख में आती है और मुख अलग अलग उच्चारण स्थानों से उसे बाहर निकाल। तो ये रही हमारी मित्रों पूरी उच्चारण की प्रक्रिया। तो इस तरह से हमने देखा इस प्रक्रिया में जो है दो भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? एक फेफड़ों से निकलने वाली वायु, जिसे प्राण शब्द भी कहा जाता है, हवा या वायु, और इसी वायु को जो है इसी वायु को हम प्राण भी कहते, और दूसरी है स्वर तंत्रियों का झंकृत होना जिसे घोष कहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों की दृष्टि से हम वर्णों को दो भागों में बांटते हैं, एक प्राण या वायु की दृष्टि से, दूसरा घोष या झंकृत होने की दृष्टि से, ठीक। अब हम पहली चर्चा मित्रों प्रारंभ करते हैं प्राण या वायु की दृष्टि से वर्णों के भेद। तो प्राण या वायु की दृष्टि से वर्णों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। मित्रों एक बात याद रखें, हर वर्ण के उच्चारण में एक समान वायु की आवश्यकता नहीं होती, किसी में कम वायु लगती है किसी में अधिक। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम और प्राण का अर्थ है वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, ठीक। और जिन वर्णों के उच्चारण में महा माने ज्यादा या अधिक, ठीक, जैसे शब्द आता है महाबली, जिसके पास ज्यादा बल हो या अधिक बल हो, तो महा का मतलब होता है ज्यादा या अधिक। तो महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा प्राण वायु लगती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण।
अब अल्प प्राण महाप्राण की आपने मूल कॉन्सेप्ट समझ लिया मित्रों, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले लिया है नंबर एक पर अल्प प्राण। अल्प प्राण की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वर्गीय व्यंजन जो हैं, वर्गीय व्यंजन जो हैं, इन वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण अल्पप्राण होता है ना? आपको पता है वर्गीय व्यंजनों को पांच वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और पांचों में पांच पांच व्यंजन आते हैं। तो उन पांचों में से पहला, तीसरा और पांचवां जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है। जैसे यदि हम क वर्ग की बात करें तो क, ग और अंग, ये तीनों क्या है? अल्पप्राण। दूसरे नंबर पर हमने लिखा है कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन माने य, र, ल, व, अल्प प्राण होते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है हमने मित्रों सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते। तो कौन कौन से अल्प प्राण हैं? वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब दूसरी चर्चा हम करते हैं महाप्राण। महाप्राण का मतलब है वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राण वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। दूसरा और चौथा, जैसे यदि हम क वर्ग की बात करें तो दूसरा अर्थात ख, चौथा अर्थात घ, ये क्या होते हैं? महाप्राण। साथ ही ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन माने तीनों स और ह, ष, स, ख, ह, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अब आपके मन में एक बात जरूर उठी होगी कि ये बातें तो किताबों में भी लिखी हैं, फिर हमें इस वीडियो में सर नया क्या दे रहे हैं? अब नया यहां से देखिए मित्रों, दुनिया का सबसे आसान तरीका अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ने का, अगर इससे आसान तरीका कोई हो तो आप बताइएगा, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, हमने लिखा है एक तरफ अल्प प्राण और दूसरी तरफ लिखा है महाप्राण। ये समझ लीजिए दो लोग आपके घर निमंत्रण खाने आए हैं, दो लोग आपके घर पूड़ी खाने आए हैं, कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, अब आपके पास पूड़ी कितनी है पहले हम इसकी चर्चा कर ले। तो हमारे पास पूड़ी है मित्रों, एक तो स्वर है, एक बर्तन, दूसरे पांच वर्गीय व्यंजन, पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो स्वर हो गए पांच, वर्ग हो गए छह और एक अंतस्थ और एक ऊष्म, छह दो आठ, आठ बर्तन में हमने पूड़ी रखी है जो दो लोगों को खिलाना है। ठीक, अब हम खिलाएंगे कैसे? अभी हम स्वर को छोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्वर का एक अलग से ट्रिक मैं दूंगा, एक बार में याद हो जाएगा, कभी दोबारा सोचना ही नहीं पड़ेगा। अभी हम शुरू करते हैं व्यंजन से। तो व्यंजन में सबसे पहले क्या है, हमारे पास पांच बर्तन में पूड़ी है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और प्रत्येक बर्तन में कितनी पूड़ी है? पांच पांच पूड़ी है। तो बस मित्रों देखिए, सबसे आसान तरीका दुनिया का करना क्या है, एक बर्तन उठाइए और एक एक पूड़ी दोनों लोगों को बांटते चले जाइए। जैसे हमने क का बर्तन उठाया, अब क का बर्तन उठाया तो एक पूड़ी इन्हें, एक पूड़ी इन्हें, एक पूड़ी इन्हें, एक पूड़ी इन्हें और एक पूड़ी इन्हें। क, ख, ग, घ, अंग, क्या जरूरत है 135-24 जो सूत्र लोग रटाते हैं अध्यापक कि बच्चों याद कर लेना, 135 माने अल्प प्राण, 24 माने महाप्राण, और बाद में पता चला 135-24 में चला गया, 24-135 में चला गया और टोटल हो गया जीरो। तो इस चीज को रटने की जरूरत ही नहीं है। सबसे दुनिया का आसान तरीका, एक वर्ग उठाइए, पांच पूड़ी है, एक एक पूड़ी बांटते चले जाइए। ठीक, अब हम च वर्ग उठाते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग उठाते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग उठाते हैं, त, थ, द, ध, न। अब प वर्ग उठाते हैं, प, प,
ब भ म। अब इस तरह से हमने पांचों वर्ग बांट दिया, 25 व्यंजन तो बट गए। अब 25ों में से हमने देख लिया कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है। यदि परीक्षा में बाई दवे समस्या आती है तो इससे क्या रहेगा, तुरंत लिख लीजिए और एक एक कूड़ी बांट करके फटाफट देख लीजिए कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है अंतस्थ और ऊष्म की। तो मित्रों एक बात गौर करें आप, जब हमने क वर्ग उठाया था तो क ख ग घ अंग, अंग यहां आया अल्प प्राण में और फिर हमने च को अल्प प्राण से ही लिखना शुरू किया। अब इसी तरह से अंतिम पर आए प फ ब भ म, म कहां खत्म हुआ अल्प प्राण पर, और म के बाद कौन आता है य र ल व अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो इनको कहां से लिखना पड़ेगा, यहीं से लिखना पड़ेगा। तो बस बिल्कुल इसको भी रटने की जरूरत ही नहीं है, याद रखिए तुरंत य र ल व, और जब य र ल व अल्प प्राण हो गए तो एकदम तय हो गया कि तीनों स और ह क्या हो गए महा। तो इस तरह से मित्रों अल्प प्राण और महाप्राण दुनिया का सबसे आसान तरीका, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये रहे हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। केवल इतना ध्यान देना है कि पांचों वर्गों को अलग अलग बांटना है, अंतस्थ एक जगह ऊष्म एक जगह। ठीक, अभी हमने स्वर को छोड़ा है, स्वर को क्यों छोड़ा है, क्योंकि स्वर को हम ले आएंगे अघोष और सघोष में और वहां ऐसा ट्रिक बता देंगे कि एक ही जगह से स्वर अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष एक साथ हो जाएगा। तो अब इस चर्चा के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि अल्प प्राण महाप्राण के बाद अघोष सघोष की चर्चा हम करते हैं मित्रों। और ये ऐसा टॉपिक है मेरे मित्रों कि यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक, और इतना आसान कर दिया हमने कि बस केवल जरा सा वीडियो को ध्यान से देखें जो है और समझें और तुरंत अपने से उसका प्रयोग कर लें। चलिए अब हम दूसरी चर्चा करते हैं। पहली चर्चा थी प्राण या वायु के आधार पर, अब हम दूसरी चर्चा करते हैं बेटे स्वर तंत्रियों को झंकृत होने या घोष के आधार पर। स्वर तंत्रियों के, मैंने कहा ना यहाँ स्वर तंत्रियां होती हैं और जब ये हवा यहाँ से निकलती है इन स्वर तंत्रियों को झंकृत करती है और तभी आवाज होती है। तो अब दूसरा उच्चारण है स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर, जिसे कहते हैं घोष। स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर, ठीक, स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर अर्थात घोष। ठीक, अब घोष के दृष्टि से भी दो ही भेद होते हैं मित्रों, नंबर एक अघोष और नंबर दो सघोष। ठीक, आप लोग जानते हैं घोष में अ उपसर्ग लगा, अ का मतलब होता है नहीं या कम अल्प। ठीक, तो घोष माने झंकृत होना, तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं वो अघोष हैं, और स माने साथ या ज्यादा, तो जिनमें ज्यादा उच्च झंकृत होती हैं वो सघोष है। ठीक, अब हम इसकी परिभाषा की यदि चर्चा करें तो अब हम एक एक को लेते हैं और यहां भी इतना आसान सूत्र मैं दूंगा आपको कि जरा भी दिक्कत नहीं, एक बार में याद रहेगा, जीवन में कभी दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अघोष वे वर्ण जिनके उच्चारण में, हमारे साथ दोहराते चलेंगे आसानी रहेगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, कम झंकृत होती हैं, उन्हें अघोष कहते हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। अब हम ये देखते हैं मित्रों कि अघोष हैं कौन कौन से। तो देखिए जैसे हमने लास्ट में वहां ट्रिक बताई थी वैसे इसमें भी ट्रिक देंगे लास्ट में, पहले हम देख लें कौन कौन से हैं। तो नंबर एक शुरू करते हैं वर्गीय व्यंजनों से। मित्रों वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, अर्थात
यदि हम जैसे क वर्ग की बात करें तो पहला और दूसरा वर्ण माने क ख, ये क्या है अघोष। च वर्ग की बात करें तो च छ, ये क्या है अघोष। ठीक, दूसरे नंबर पर हम कहें अगर तो तीनों स, ध्यान दीजिएगा मित्रों, तीनों स मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स क्या होते हैं अघोष होते हैं। अब देखिए मित्रों, यहां ह जो है वो दलबदलू विधायक है, जब यहां महाप्राण था बड़ा था तब तो वो तीनों स के साथ बैठा, और जब यहां अल्पप्राण में आ गए कम हो गए तो भाग गया साथ छोड़ करके। तो ध्यान रखिए ह एक दलबदलू विधायक है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि ह यहां से क्यों हट जाता है। ठीक, अब अघोष के बाद हम दूसरी चर्चा करते हैं मित्रों, सघोष। सघोष मतलब घोष के साथ, झंकार के साथ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं, अधिक झंकृत होती हैं, उन्हें सघोष कहते हैं, उन्हें सघोष कहते। ठीक, अब हम ये देखते हैं सघोष हैं कौन कौन से। तो वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण अघोष हो गया, तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो गया सघोष हो गया। ठीक, तो वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है, नंबर एक। नंबर दो, यह तीनों स अघोष थे, ह बच गया यहां से, और बचे कौन अंतस्थ बचे माने य र ल व, तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन माने य र ल व तथा ह, ये क्या होते हैं सघोष होते। देखिए मित्रों, अभी हमने ऊपर चर्चा की थी ह शुद्ध काकल्य ध्वनि है, ह का उच्चारण यहां होता है, यहां से होकर के जब बाहर निकलना है तो जब तक तेज झंकृत नहीं होगा तब तक ये बाहर निकल ही नहीं सकता, इसीलिए ह जो है शुद्ध काकल्य ध्वनि होने के कारण अघोष हो ही नहीं सकता, ये सघोष होगा। नंबर तीन, सभी स्वर, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक, अब ये तो रही एक सामान्य बात, अब हम आपको देते हैं ट्रिक, बताते हैं जो है आपको जुगाड़ कि कैसे रहेगा याद आपको ये मैटर, किस तरह से ये मैटर आपको याद रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा। अब देखिए मित्रों, हमने यहां लिखा अघोष और यहां लिखा सघोष। अब एक बार केवल ध्यान से जो है देखें, यहां देखिए आप सारे लोग ये जानते हैं कि अ की एक मात्रा होती, हमने स्वर में पढ़ा था अ ह्रस्व स्वर है, वे स्वर जिनकी एक मात्रा होती उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, तो अ की कितनी मात्रा होती है एक, और ओ क्या कौन सा स्वर है दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर की दो मात्रा होती है, तो घ पर ओ लगा है ना, तो वो घो की दो मात्रा होगी अ की एक मात्रा। अब देखिए मित्रों ट्रिक देखिए, अ की एक मात्रा घो की दो मात्रा मतलब क्या बन गया पहला और दूसरा वर्गीय व्यंजनों का, अ घो से निकल जाएगा, अ माने एक घो माने दो, मतलब वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा, तथा यहां आया स, स माने तीनों स। ठीक, तो कितना आसान हो गया, एकदम आसान हो गया, अ घो एक दो मतलब वर्गीय व्यंजनों का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, और स, स माने तीनों स, ये अघोष होते हैं, और बाकी जो बचे सब सघोष होते हैं। तो अब फटाफट हम विभाजित कर लेते हैं, वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण माने क ख, अब तीसरा चौथा पांचवा यहां आ जाएगा ग घ अंग, च छ
ज झ इया ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक, बाकी हमने क्या कहा, तीनों स अघोष होते हैं तो तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स ये अघोष हो गए, बाकी जो बचे कौन कौन से य र ल व और ह ये क्या हो गए, सघोष हो गए। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर के लिए हमने कहा था लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, अब स्वर की ट्रिक देखिए मित्रों, हम ये यहां चारों अपने लिखते हैं क्या क्या, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। ठीक, अब बांटना किसे है, स्वर को बांटना है। अब यहां हमने लिखा स्वर, अब देखो मित्रों सघोष में स आ रहा है और स्वर में स आ रहा है, इसका मतलब सभी स्वर सघोष होंगे और किसी में स नहीं है शुरू में ना, और किसी में स है ही नहीं, तो स है सघोष में और स है स्वर में, इसका मतलब सभी स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। और आप अच्छी तरह से ये जान रहे हैं कि सघोष में ज्यादा हवा लग ज्यादा झंकृत होती है, अर्थात सघोष बड़ा है अघोष छोटा, तो स्वर यहां बड़े हो गए तो अल्प प्राण महाप्राण में ले जाकर छोटा कर दीजिए, स्वर एक जगह बड़ा और दूसरी जगह छोटा, तो ये तो स स से सेट हो गया कि सघोष होते हैं स्वर तो बड़ा हो गया तो यहां छोटा कर दीजिए अल्प प्राण। और इस तरह से हमेशा याद रहेगा कि सभी स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। तो ये रहा मित्रों आज का वीडियो, हमने इसमें आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक की चर्चा की और यहां दोनों से एक एक प्रश्न आता ही आता है, तो इसे देखिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, साथ ही हमसे जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।